जो दुष्यंत था उनके सचिवन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का ये छठवां एपिसोड है। इससे पहले हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में विस्तार से बताया था। इस समय आपको हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसे कौन से स्थल हैं जो इतिहासकारों द्वारा जब खुदाई की गई वहाँ पर, तो वहाँ से हमें क्या क्या मिला। और ये वो टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में हमेशा ट्रेंड में रहता है। तो आइए हम देखते हैं इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सभी वीडियोस। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ऐड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसमें हिस्ट्री के कुल 13 वीडियो तक डाले गए हैं। वो सभी वीडियोस प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, जिसमें आपको विस्तार से इसके विषय में बताया गया है। उसमें अन्य काल, पाषाण काल, उसके भाग, इन सभी के विषय में बताया गया है। आइए हम देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल। सबसे पहला स्थल आपके सामने है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ेगा, भारत में, और यमुना नदी के किनारे यहाँ पे खुदाई हुई थी। यहाँ से मिला क्या? सबसे पहला इन तो ये याद रखिएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको हो जाएगा आलमगीरपुर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपका सबसे पूर्वी स्थल है आपका हड़प्पा सभ्यता का। आइए हम आगे देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो तांबे के बने हुए टूटे फलक और मिट्टी की वस्तुएं, इसके अलावा नान पर कपड़े की छाप हमें यहाँ पर मिली है। हो सकता है कपड़े धुलने के लिए वो यूज़ की जाती हो, या फिर और कई कारण उसके हो सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। वो लिपि भाव चित्रात्मक ऐसा कहते हैं, और वो कैसा था वहाँ पर कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल जो मिला है उसी पर हम कल्पना करते हैं कि हाँ हड़प्पे समाज ऐसा रहा होगा। वहाँ पर ये व्यवस्था थी, वहाँ में नगर ऐसे थे या लोगों का रहन सहन ऐसा था, क्यों ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि लिपि, मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, हमने लिख दिया, कोई आया, तो इससे आप कुछ जान पाएंगे? आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे हम देखते हैं मेहरगढ़। मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर, तांबे के बर्तन बने हुए हैं वो, इसके अलावा औजार मिले हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें मेहरगढ़, तो एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था पहले कि किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। वहाँ पर आपके सामने हमने दो ऑप्शन बताए थे, एक बताया था मेहरगढ़ और एक हमने बताया था आपको कोहलेवा बताया था शायद, तो वो आप देखिएगा। हमने बताया था कि किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अगर आपको पता है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे हम देखते हैं बालू। बालू आपका हरियाणा राज्य में है, और यहाँ से क्या है कि बहुत सारे हमें पौधों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा लहसुन की कृषि है, उसकी हमें यहाँ से पहली बार प्रमाण मिलते हैं। बालू याद रखिएगा, बालू कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में पड़ता है। आगे हम देखते हैं चंद्रगढ़ आपका और यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से बिना गढ़ वाला किला सिंधनगर, इसको हम कहते हैं। गढ़ का मतलब कोई किला वगैरह ना मिल पाना, क्योंकि समाज विभाजित था, इसमें गढ़ की मिलती थी, फिर आपका व्यापारी वर्ग, फिर धनिक वर्ग, यहाँ पे गढ़ नहीं बने हैं। ऐसा था कि यहाँ पे कोई भी हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा सिंधनगरों से मनके बनाने का कारखाना हमें मिला है, और लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें मिले चंद्रगढ़ों से। अगर हम बात करें तो इसको हम भारत का लंका शायर कहते हैं, लंका शायर की उपाधि इसको दी गई है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिनकी खुदाई उस समय हुई थी,
जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, और वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है, चंद्रपुर आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। और जहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य हैं, मन के बगाने कारखाना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी टेंड होता है कि मन के बगाने के कारखाने का साक्ष्य में कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से मिला आपका, चंद्रपुर से मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुर्दी जी, ये भी आपका पाकिस्तान से है। और आइए जानते हैं कुर्दी जी में क्या क्या वस्तुएं मिली हुई हैं। तो बैल मिला है, इसके अलावा माता देवी की मूर्ति बनी है, और एक आपका स्थान पड़ेगा सुतकांगी डोर। ये देखिएगा सुतकांगी डोर, ये क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। पूर्वी स्थल आपका कौन सा था, आलमगीरपुर था, और पश्चिमी स्थल आपका सुतकांगी डोर है, जहाँ से हमें मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। आगे हम देखते हैं आपका दाइमाबाद। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र आपका इंडिया में पड़ेगा। और इसकी विशेषता ये है कि हड़प्पा जो आपकी सभ्यता है, ये वहाँ का सबसे दक्षिणी स्थल आपका कौन सा बनेगा, दाइमाबाद बनेगा। यहाँ से हमें क्या मिला है, कांस्य रथ मिला है। इसके अलावा कांसे की कुछ हमें मूर्तियाँ मिली हैं। अगर हम बात करें केरल नथोरो, नाम देखिएगा केरल नथोरो, ये है कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में है, गुजरात आपका जो समुद्र किनारे बसा हुआ है ना गुजरात, तो वहाँ से क्या लोग नमक बनाते हैं, अब भी लोग वहाँ से नमक बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नमक उत्पादन केंद्र के साक्ष में मिले हैं कि हाँ यहाँ से नमक बनाया जाता रहा होगा उस समय में। अगर हम बात करें कोटवाला, या देखेंगे कोटवाला, तो कोटवाला आपका पड़ेगा पाकिस्तान में, और यहाँ से हमें भट्टी के साक्ष मिले हैं। भट्टी का उपयोग मतलब किसी काम में हो सकता है, तो यहाँ से हमें भट्टी के साक्ष मिलते हैं कोटवाला के। कोटवाला है कहाँ पे, तुम्हें पाकिस्तान में है। आगे हम देखते हैं आपका स्थल है मांडा। मांडा आपका जो है कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हम सभी जानते हैं, इंडिया में जम्मू कश्मीर है। तो मांडा की एक बात आगे देखिएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल आपका मांडा पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आपका आलमगीरपुर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरा अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, ये आपका सुतकांगी डोर पड़ेगा। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, तो आपका मांडा। इसके अलावा दक्षिण स्थल कौन सा है, दाइमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ये रहा आपका दाइमाबाद दक्षिणी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा ट्रेंड होते रहते हैं। और इसकी जो पिछली वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने ये भी पढ़ाया है कि उसका उत्खनन कार्य कब किया, किसने किया, कहाँ कहाँ पर स्थल स्थित हैं, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इसके विषय में आप जानकारी पुराने वीडियो से जो प्ले लिस्ट में ऐड हैं, पाषाण इतिहास हिस्ट्री, आप वहाँ से पढ़िएगा। इसके अलावा हमने आपको पाषाण काल के विभिन्न भाग, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति,